स्वागत आप सबका दोस्तों हमारी इस नई वीडियो के अंदर। और अपन ने पार्ट वन के अंदर देखा कि पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस क्या होती है या पर्सनल रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस क्या होती है। तो ये अपना है सेकंड पार्ट, जिसके अंदर अपन ओएसएल देखने वाले हैं, ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस डोजीमीटर्स। तीसरा जो अपना पार्ट रहने वाला है वो है फिल्म बैच। चौथा फोर्थ पार्ट अपना रहने वाला है टीएलडी एंड फिफ्थ पार्ट इज अवर पॉकेट डोजीमीटर। तो ये सारे पर्सनल रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस हैं। और आज के अपन के इस छोटे से लेक्चर में अपन देखने वाले हैं ओएसएल डोजीमीटर्स क्या होते हैं और वाइवा के अंदर आपसे इसमें से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आप अपने प्रैक्टिकल वर्क में भी इसका यूज़ कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन का। तो चलिए देखते हैं अपन ओएसएल ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस डोजीमीटर्स क्या होते हैं और कैसे यूज़ किए जाते हैं, कितने ड्यूरेशन के, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज के साथ अपन इसको डिस्कस करने वाले हैं। ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस डोजीमीटर्स क्या होते हैं? द ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस डोजीमीटर फॉर पर्सनल मॉनिटरिंग प्रोवाइड्स द बेस्ट फीचर ऑफ द ट्रेडिशनल फिल्म बैच एंड टीएलडी व्हाइल एलिमिनेटिंग सम ऑफ देयर डिसएडवांटेज। जो ओसल है वो उसमें फिल्म बैच के भी जो विशेषताएं हैं वो है और टीएलडी की भी जो विशेषताएं हैं वो ओसल डोजीमीटर कवर करता है। द ओसल डोजीमीटर कंटेन एन एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिटेक्टर। ओएसएल डोजीमीटर के अंदर क्या यूज होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिटेक्टर है जो कि एक थिन लेयर की बनी होती है, थिन लेयर होती है जिसकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। द डोजीमीटर इज रेड आउट बाई यूजिंग लेजर लाइट एट सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी। और इसको ओएसएल को रीड कैसे किया जाता है? ओएसएल पे रीड करने की थोड़ी सी अलग प्रक्रिया होती है, एक अलग प्रोसेस होती है जिसमें एक सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी की लाइट है वो ओएसएल डोजीमीटर पे चलाई जाती है, लेजर लाइट। When such laser light is incident on the sensing material, जब ऐसी ये जो laser light है ये sensing material मतलब जो aluminium oxide की thin layer है उस पर डाली जाती है, तो it become luminescent in proportional to the amount of radiation exposure received। तो ये उतनी ही luminescent का मतलब होता है चमक या चमकना। तो ये जितना ज़्यादा उस पर radiation absorb हुआ होगा या जितना उस पर ionizing radiation X-ray receive हुआ होगा वो उतनी ही ज़्यादा luminescent होगी। तो ल्यूमिनेसेंट प्रोपोर्शनल हो गया कि जितना ज़्यादा उसने रेडिएशन रिसीव किया है। द ओएसएल टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली सिमिलर टू द ल्यूमिनियस डायल वॉच। तो ये जो ओएसएल टेक्नोलॉजी है वो ल्यूमिनेसेंस जो वॉच है उसके भी सिमिलर है। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं। द ओएसएल डोजीमीटर कैन बी वर्न अप टू वन ईयर। इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू वियर फॉर ए पीरियड ऑफ 1 to 3 months। इसको 1 to 3 महीने तक अपन आराम से यूज कर सकते हैं। द थ्री डिफरेंट फिल्टर आर इनकॉर्पोरेटेड इन टू द डिटेक्टर पैकेट ऑफ द ओएसएल डोजीमीटर। अब ये यहाँ से एक मेन पार्ट शुरू होता है। तो पहला अपना होता है वो एल्यूमिनियम होता है, दूसरा टिन और तीसरा कॉपर। द एल्यूमिनियम फिल्टर ऑफर्स द लीस्ट एब्जॉर्प्शन। एल्यूमिनियम जो फिल्टर है वो लीस्ट एब्जॉर्प्शन शो करता है और जो उधर ही दूसरी साइड पे कॉपर का फिल्टर है वो मोस्ट एब्जॉर्प्शन है, वो रेडिएशन का रिकॉर्डिंग का वो रिसीव करता है। तो अब ये मेन क्वेश्चन होता है वैसे कि ओएसएल डोजीमीटर्स के अंदर क्या यूज़ होता है। तो फिल्टर्स होते हैं उसके अंदर, फिल्टर्स के अंदर एल्यूमिनियम टिन कॉपर इसकी थिन शीट्स होती है। और एल्यूमिनियम है वो सबसे कम एब्जॉर्प्शन करता है और जो कॉपर है वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ द ओएसएल डोजीमीटर। ये आपको डायग्राम में भी दिखाया गया और ये हमने एक बुक से उठाया। द ओएसएल इज लाइटवेट, ड्यूरेबल होता है, इजी टू कैरी होता है। ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे द ओएसएल डोजीमीटर इज लाइटवेट, द ड्यूरेबिलिटी ऑफ ओएसएल डोजीमीटर इज हाई 1 to 3 month कैन वी से, इजी टू कैरी, इजी टू यूज। इट कंटेन एन इंटीग्रेटेड सेल्फ कंटेन्ड प्री लोडेड पैकेट, कलर कोडिंग, ग्राफिक्स फॉर्मेट एंड बॉडी लोकेशन आइकन प्रोवाइड इजी आइडेंटिफिकेशन। द ओएसएल टेम्पर प्रूफ ब्लिस्टर पैकेट इज नॉट अफेक्टेड बाई हीट, मॉइस्चर एंड प्रेशर। ओएसएल डोजीमीटर है उस पर हीट का, मॉइस्चर का और प्रेशर का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, जो कि हमें पॉकेट डोजीमीटर के अंदर देखने को मिलता है जब वो गिर जाता है या कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ ओएसएल डोजीमीटर एज
एज इज ट्रू विद द अदर पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेज ऑक्यूपेशनली रेडिएशन एक्सपोजर इज रिकॉर्डेड ओनली इन द बॉडी वेयर द डिवाइस इज वॉन. मतलब इसका एक इसको डिसएडवांटेज नहीं बोल सकते लेकिन ये काउंट हो कर सकते करते हैं अपन एक पॉइंट बना सकते हैं कि ये वहीं का रेडिएशन रिकॉर्ड करेगा जहाँ ये पहना हुआ होगा. मतलब अगर चेस्ट पे पहना हुआ तो चेस्ट का रिकॉर्ड करेगा. इन एडिशन इफ द फैकल्टी डज नॉट हैव इन हाउस रीडर एक्सपोजर कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑन द डे ऑफ ऑकरेंस. इसको मतलब रीड करने के लिए प्रॉपर रीडिंग मशीन्स होती है. तो अगर आपके हॉस्पिटल या आपके आसपास कहीं वो नहीं है तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है. द ओएसएल डोसीमीटर इज नॉट एन एफिशिएंट मॉनिटरिंग डिवाइस इफ इट इज नॉट वॉर्न. तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि ओएसएल डोसीमीटर है वो पहने बिना, मतलब अगर आप उसको कहीं भी स्टक किए बिना अगर आप चाहते हैं कि वो रेडिएशन डिटेक्ट करे या रेडिएशन की डोज मेजर करे तो वो पॉसिबल नहीं है. और ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर अपन ने देखा कि ओएसएल डोसीमीटर्स क्या होते हैं. तो ओएसएल डोसीमीटर्स के बारे में आपको बताया गया. ओएसएल डोसीमीटर्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बने होते हैं. एक थिन लेयर बनी होती है. एल्यूमिनियम टिन और कॉपर तीनों से मिलकर इसकी जो थिन लेयर है वो बनाई जाती है. या अलग अलग उसमें सेक्शन होते हैं. एल्यूमिनियम है वो सबसे कम रेडिएशन एक्सपोजर को एब्जॉर्ब करता है और जो उधर ही दूसरी साइड कॉपर है वो सबसे हाई रिसीव करता है. और ओएसएल डोसीमीटर्स फिल्म बैच और टीएलडी के कुछ एडवांटेजेस हैं जो उनके अगेंस्ट रहते हैं. एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता गए हैं. और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको फिल्म बैच देखने को मिलेगा, फिर टीएलडी और फिर पॉकेट आयोनाइजेशन चैम्बर या जिसको अपन पॉकेट डोसीमीटर मिलते हैं. तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद.